नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। खबर मध्य प्रदेश के भिंड से है, जहां संस्कृति मैरिज गार्डन में नगर पालिका के द्वारा 400 हितग्राहियों को नव प्रमाण पत्र एवं लॉटरी के अनुसार प्लॉट आवंटित किए गए हैं। साथ ही नगर पालिका के द्वारा 330 हितग्राही को 1,00,000 रुपए की राशि मकान बनाने के लिए दी गई है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि संजीव सिंह कुशवाहा, विधायक भिंड पूर्व, नगर पालिका उपाध्यक्ष अजीत सिंह भदौरिया, नव प्रकाश शर्मा, सुरेंद्र शर्मा, मनोज जैन, मनोज कुशवाहा आदि उपस्थित हुए। करीब 500 से अधिक हितग्राही कार्यक्रम में मौजूद रहे। कुछ हितग्राहियों ने नगर पालिका के कर्मचारी स्वदेश तिवारी, प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रभारी पर 15,000 रुपए की मांग का आरोप लगाया है, जिसके बाद ही योजना का लाभ मिलेगा। हितग्राही ने मुख्यमंत्री कॉल सेंटर पर भी शिकायत का आवेदन किया है। प्राइम न्यूज 24 के लिए ब्यूरो इमरान अली खान की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आवास के तहत कुछ लोगों को प्लॉट मिल गए थे, किस्त नहीं मिली थी, कुछ को एक किस्त मिल गई थी, आगे किस्त नहीं मिली थी, कुछ लोगों को प्लॉट भी नहीं मिले थे। तो आज उस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। करीब 500 लाभार्थी इसमें जो हितग्राही हैं उसमें लाभ प्राप्त करेंगे। करीब 200 के खाते में प्रथम किस्त जाएगी। करीब 230 लोगों के पास, जिनके पास प्लॉट हैं, उनको किस्त डालने का काम एक दो दिन में कर दिया जाएगा। तो उसी तारतम्य में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इससे निश्चित तौर पर ये बहुत ही स्वावलंबी और अच्छी योजना है, जिससे जो मेहनत करने वाले लोग हैं और जो मजदूर हैं, उनको अपना घर मिल रहा है। और भी कई परिवार है, गरीब परिवार, उनके प्लॉट आवेदन करने के लिए क्या प्रक्रिया? उसके लिए 2,500 की एक अलग से DPR गई है, और करीब 700 लोग ऐसे हैं जिनके लिए जगह मांगी गई है। तो शासन जगह देने की कार्रवाई कर रहा है, अलॉट करने की कार्रवाई कर रहा है। बहुत जल्दी उनको भी अपना घर मिल जाएगा। विशेष क्या अपील करना चाहेंगे इस विषय पर आप, कि गरीब परिवारों को अभी भी विशेष इंतजार करना चाहिए? नहीं, अब देखिए, इंतजार तो कुछ सरकार की प्रोसेस रहती है, लेकिन अब ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जैसे जैसे वो कार्रवाई आगे बढ़ती आई, तो मकान मिलते आए। हमारे भाई साहब हमला पूरा निराधार है। हितग्राही वहाँ पे आवेदन करे, आवेदन के बाद पटवारी के पास सूची जाती है। पटवारी जो चिन्हित करता है, SDM साहब चिन्हित करते हैं, कलेक्टर साहब चिन्हित करते हैं, वो सूची अपने पास आती है, उसी पे अपन आगे काम करते हैं। वो जारी हुई है, उनको अभी विधायक जी ने बोला है, उनको आवंटन होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 DPR शासन को भेजी गई थी, उसमें 3 मंजूर हो गई। नगर पालिका भिंड को नई जेल पर जगह मिली थी, उसमें करीब 1,000 आवास बन चुके हैं। नहीं, 3 बार लिस्ट में नाम आया, 3 बार काट दिया। क्यों? वो कह रहा है कि अभी नाम नहीं आएगा, पैसे दो, पैसे मांगे थे, पैसे नहीं, मेरे पास पैसे नहीं थे।